सिंध के बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी ने कराची में एहतजाजी मुजाहरा किया। हाफिज तैमुर रहमान कहते हैं कि कराची में लिसानियत की फिजा बनाई जा रही है। तफसीलात क्या है जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध के नए बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान की क्यादत में पावर हाउस चुरंगी पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर कराची में सिंधी और महाजर की तफरीक पैदा की जा रही है। साजिश की वजह से एक मरतबा फिर इंसानी आग को फैलाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को एक मरतबा फिर सिंधी महाजर की तकसीम में डालकर ये सारे लोग अपने मजबूत मकासद हासिल करना चाहते हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ दावे किए, अमली इकदाम नजर नहीं आते। एपीसी करने वाले सड़कों पर एहतजाज क्यों नहीं करते? आज पार्टी कॉन्फ्रेंस के नाम से या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करके या दो पार्टियों की मुलाकातें करके ये इम्प्रेशन देना कि आप इस बिल के मुखालिफ हैं, बिल की मुखालिफत ये नहीं होती। आप मैदान में क्यों नहीं आते? आप एमेजिना रोड पर मिलियन मार्च क्यों नहीं करते? हाफिज नईम का कहना था 21 दिसंबर को सिंध असेंबली के बाहर तारीखी धरना दे।